हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप और कैसी है? चलो तो नेक्स्ट हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ना है हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मजा आ रहा है लेक्चर्स देखने में तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन हाई हो कि आपको समझ में आ रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है, तो और क्या बढ़िया कर सकते हैं वो भी अब हम लोग जो है वो सोचेंगे अपने वीडियोस के अंदर। तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वरना फिर हमारा मोटिवेशन लो होगा तो फिर यार ये लेक्चर फिर बनाने का मेरा कोई मकसद ही फिर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यार प्लीज थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये सारा चीज हो चुका है। अब हम लोग को नेक्स्ट यहाँ से करना था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर क्लास 10। क्लास 10th के लिए जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, अब वो हम लोग को समझना था यहाँ पर। तो सच सच बताना कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो लेक्चर, सच सच बताना, झूठ ना बोलना यहाँ पे, वरना एक पड़ेगा यहाँ से खींच के। सर ये क्या कह रहे हो, बहुत गुस्से में लग रहे हो क्या? नहीं गुस्सा तो नहीं हूँ यार, लेकिन तुम लोग कुछ रिस्पोंड भी तो नहीं करते हो। यहाँ सर पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चीज रिस्पोंड भी क्या करो। चलो तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या है, कैसे है, उसको हम लोग देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखें तो आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपका होता है। इसमें यानी कि ये जो आपका लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 5 में डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। एंड देन उसके बाद लेक्चर नंबर जो 5 होगा, सॉरी लेक्चर नंबर जो आपका 6 होगा, उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में काफी डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह का आपका जो है पूरा सीक्वेंस बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जो कि है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो देखते हैं क्या है हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है ये कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। यार नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कंबाइन मतलब कंबाइन कर लो, दो चीज तीन चीज अगर अलग अलग है तुम सब उठा के एक चीज में कंबाइन करो। सो कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन, यानी कि रिएक्टेंट के साइड अगर दो अगर दिया है, इन दोनों को उठा के बस कंबाइन कर दो, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यही है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इन दोनों के रिएक्शन को कंबाइन कर दिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, तो यही है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो सर मजा आ गया। सो जैसे यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों के रिएक्शन कर दिए यानी कि कंबाइन कर दिए, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। चलो सर तो ये तो हो गया। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है सर, सर आपने कुछ इम्पोर्टेंट जो है रिएक्शन नहीं करवाया, क्यों? यार देखो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे दिया हुआ है एरो के साथ, तो इससे भी बढ़िया बढ़िया इम्पोर्टेंट जो है रिएक्शन आपका हर जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के नीचे जो है वो दिया हुआ है आपके बुक में। तो मैं सारा रिएक्शन एक सेपरेट वीडियो में करा दूंगा, ताकि अगर उससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में आता है, रिएक्शन के थ्रू भी अगर कुछ आता है, तो आपको बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो मैं सारा सीक्वेंस में बना के लाया हूँ किस कौन सा चीज कहाँ कौन से लेक्चर में लेना है, बस आप बस देखते रहिए, आपका प्रिपरेशन काफी बढ़िया से हो जाएगा। मैं हर एक रिएक्शन का एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इन टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट, यानी कि रिएक्शन में एक कंपाउंड, देखो डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, डी का मतलब टूट जाना, यानी कि यहाँ पे पहले से ही कंबाइन में है, बस इनको तोड़ दो, यानी ए को अलग कर दो, बी को अलग कर दो, रिश्ता टूट गया। ठीक है, सो डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ दो, यानी रिएक्शन अगर एक कंपाउंड में है तो उसको डिकम्पोज कर दो, तोड़ दो, दो या दो से ज्यादा में।
ठीक है, उसे कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि ए बी फॉर्म में है तो ए और प्लस बी को फॉर्म में कर दो। जैसे यहाँ पे कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे दिया है, CaCO3 दिया है, इसको जैसे हमने हीट प्रोवाइड किया तो ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसका एनिमेशन आपको देखना है तो मैं आपको इसका एनिमेशन भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, चलो कभी दिखा दूंगा मैं इसका एनिमेशन। देन नेक्स्ट आपका है यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 यहाँ पे है। जब मैं इसको हीट करता हूँ, ये ट्राइंगल बना हुआ है, हीट का सिंबल होता है, तो यहाँ पे आपको बन जाएगा क्या, यहाँ पे आपको आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और वाटर आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनेगा और वाटर यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। चलो तो ये है आपका रिएक्शन आपका डिकम्पोजिशन का। सर नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन में ही दो या तीन और जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो शो करते हैं, जिसमें आपका एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा है फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये थर्ड है। सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है सर, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है जिसमें हीट जो है क्या करे सर, जिसमें हमें जिस रिएक्शन में हमें हीट प्रोवाइड करना पड़े उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है PbNO3 है, इसमें जब मैंने हीट दिया तो ये रिएक्शन बना PbO प्लस में 4NO2 प्लस में ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन यहाँ पे बना, तो ये हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हमें हीट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो है आपका अलग अलग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन टूटता है, यानी कि रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज यानी टूट जाता है एक सिंपलर कंपाउंड। ये देखो एक यहाँ पे कंपाउंड है, ये छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड में टूट गया, यानी हाइड्रोजन बेचारा अलग हो गया, ऑक्सीजन बेचारा अलग हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बिकॉज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इस H2O में, इस H2O में जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, इसका अनदर नेम है और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सर फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं उसको भी तो बताओ, चलो यार बता देते हैं। सो फोटोलाइसिस या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, सो रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सनलाइट के थ्रू हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं और वो टूट जा रहा है दो अदर या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो उसे कहते हैं फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये है आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन। देन सर नेक्स्ट, उम्मीद है इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है सर, जैसे यहाँ पर फोटोलाइसिस का था तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि फोटोग्राफी पेपर, एक फोटोग्राफी पेपर होता है उसमें कोटेड किया गया सिल्वर क्लोराइड से विच टर्न इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, यानी कि सनलाइट में मैंने जब रखा, एक फोटोग्राफिक पेपर होता है जिसपे एक सिल्वर कलर का, सिल्वर क्लोराइड कलर का, सिल्वर क्लोराइड कलर का क्या चढ़ा है, कोटेड चढ़ा हुआ है, यानी सिल्वर क्लोराइड का मतलब है AgCl का एक कोटेड चढ़ा हुआ है, एक फोटोग्राफिक पेपर होता है जिसपे सिल्वर क्लोराइड कलर का एक जो है कोटेड चढ़ा हुआ रहता है, वो ग्रे कलर का होता है, और जैसे ही मैंने उसमें सनलाइट सॉरी वो जो है आपका सिल्वर क्लोराइड सिल्वर कलर का रहता है, जैसे ही मैंने उसमें सनलाइट डाला तो वो जो है ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही मैंने उसमें सनलाइट को जो है इंटर करवाया। सो सिल्वर क्लोराइड जो है इस कलरलेस होता है, और व्हेन सिल्वर इज ग्रे मेटल, और व्हाइल सिल्वर इज ग्रे मेटल, जो सिल्वर जो है वो ग्रे मेटल जो है वो आपका होता है। चलो सर मजा आया यहाँ तक समझ में। सर नेक्स्ट क्या है सर, सो नेक्स्ट आपका कहाँ तक का मैंने आपको बोला था करने के लिए, दो हो गया ना, तीसरा ये लास्ट है हमारा, मतलब कि इस लेक्चर का लास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यार नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेस कर दो, यानी कि एक जगह से हटा के उसको दूसरी जगह पे कर दो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो क्या है सर, सो द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव क्या होता है सर, ये नहीं समझ में, कोई बात नहीं समझाऊंगा मैं। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म ए कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सबसे पहले मैं आपको मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के मतलब समझाता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे इस वाले डिफिनेशन पे आऊंगा। ठीक है, देखो ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज जो कि आपको मेटल वाले जो है चैप्टर में पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, या फिर शायद एसिडिटी वाला चैप्टर में है, ये किसी ना किसी चैप्टर में, लेकिन मैं आपको पहले पढ़ा दे रहा हूँ। तो ये आपके यहाँ पे रिएक्टिव सीरीज दिया हुआ है, यानी कौन सा मेटल जो है हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, उसका यहाँ पे एक सीरीज बना हुआ है, यानी कि सजाया हुआ है असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि नीचे वाला से लेके, यानी नीचे से ऊपर तक जो ऐसे गया हुआ है, सजाया हुआ है इस तरह से, तो नीचे वाला जो है, ये वाला जो है नीचे से जो है ये लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल से, ठीक है, नीचे से, और ऊपर जो है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो हमको मिलते चला जा रहा है, हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो हमको मिलता चला जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी पोटेशियम, यानी कलर चेंज करके सर जी, यानी अगर सर मैं बताऊं तो पोटेशियम से ज़्यादा हाईली कौन रिएक्टिव है, गोल्ड, गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर, सिल्वर से ज़्यादा मरकरी, मरकरी से ज़्यादा कॉपर, कॉपर से ज़्यादा बिस्मिथ, बिस्मिथ से ज़्यादा एंटीमनी, एंटीमनी से ज़्यादा हाइड्रोजन, लीड, टिन, निकल, कोबाल्ट, कैडमियम, आयरन, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारा ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो हाई मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल हमको मिल रहा है। और सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल आपका कौन सा है, तो वो आपका है पोटेशियम। पोटेशियम आपका सबसे ज्यादा हाईली मेटल है, देन उसके बाद सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोनियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल है। और ये सोचो ये इतने हाईली रिएक्टिव है कि ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो येलो वाले हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे यहाँ मैग्नीशियम से लेकर के और लीड तक जो है वो एसिड से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं काफ़ी फास्ट, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है वो तो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये सारे जो हैं, ये सारे जो हैं वो हाईली अनरिएक्टिव मेटल होते हैं, जल्दी ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं आता हूँ अपने उस वाले पे और अब मैं आपको समझाता हूँ, अब आप समझ गए होंगे मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मार के भगाएगा, ए हट हट हट, उसको मार के भगा के कहेगा कि मैं तेरी जगह पे आऊंगा। तो उसी को जो डिस्प्लेस हुआ वहां पे, उसी डिस्प्लेस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका अदर नेम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ए प्लस बी इंटू सी दिया है, तो ये जो मान लीजिए कि ये जो ए है वो बी से मोर रिएक्टिव है, तो ए वाला कहेगा कि ये भाग बी, भाग भाग, तेरे जगह मैं लूंगा, तो बी को बेचारा भगा के ए इसकी जगह पे आ जाएगा। यानी ए जो है वो मोर रिएक्टिव है बी से, तो बी को बेचारा को भगा दिया और उसके जगह पे खुद आ गया, तो ए सी प्लस बी जो है आपका यहाँ पे बन गया, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लेस इन ए इज ए मोर रिएक्टिव देन बी, मैंने आपको बताया है वही चीज़ आपको यहाँ पे अब लिखा हुआ है। चलो तो यही चीज जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल अगर देखें तो जिंक जो है वो HCl से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो यहाँ पे जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो पहले देखते हैं कि जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है या फिर लेस रिएक्टिव। तो सर जिंक हमारा कहाँ आ रहा है, सर जिंक देखिए जिंक हमारा इस जगह पे आ रहा है और हाइड्रोजन काफी नीचे है, यानी कि सर जी जिंक तो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, यानी जिंक हाइड्रोजन को मार के भगा देगा और उसके जगह पे खुद आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे देखिए जिंक हाइड्रोजन को मार के भगा दिया, जिंक क्लोराइड बन गया, बेचारा हाइड्रोजन बाहर निकल गया। उसी तरह से जिंक और कॉपर में देखें तो कॉपर बेचारा लेस रिएक्टिव होगा, कॉपर कहाँ है सर जी, कॉपर कहाँ है सर जी, कॉपर 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 दिए देखो, कॉपर यहाँ है और जिंक देखो कहाँ ऊपर बैठा है, यानी कि सर ये जिंक यहाँ भी मोर रिएक्टिव निकल गया, तो जिंक जो है कॉपर को मार के भगाया और उसके जगह पे खुद आ गया। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो मजा आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर जो भी हो उसमें हम लोग मिलेंगे। बाय बाय फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।